उज्जैन के बड़नगर शहर में व्यापारी जो वीर सावरकर मार्केट में अलग अलग प्रतिष्ठान संचालित करते हैं, ये व्यापारी बड़नगर नगर पालिका निगम के ऑफिस में पहुंचे और लिखित में शिकायत कर समस्या से अवगत कराया और मांग है कि हम इस समय बेहद परेशान हैं। व्यापार व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है और गंभीर महामारी कोरोना वायरस का असर इस समय ऐसा है कि व्यापार व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है और नगर पालिका निगम में जो हमारे मार्केट को लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज और काम करवाना है उसके एवज में नगर पालिका निगम के अंदर हम व्यापारियों से अतिरिक्त करीब 10,000 रुपये की एक दुकानदार से मांग की जा रही है, जिसमें करीब 80 से ज़्यादा व्यापारी हैं और राशि करीब 70 लाख रुपए से ऊपर है जो हम सभी व्यापारी जमा नहीं कर सकते हैं। साथ ही नगर पालिका निगम के ऑफिस से बताया जा रहा है कि आपको पैसे जमा करने की कोई रिसिट या रसीद नहीं दी जाएगी। हम व्यापारियों की मांग है कि पहले क्लियर किया जाए, बताया जाए हमको कि किस दर से और किस नियम के तहत यह राशि जमा करना है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रकाश भैया बताइए, आज का जो ज्ञापन था ये शिकायती पत्र था, किस प्रकार से सीएमओ साहब को अवगत करवाया गया, क्या दिक्कतें आ रही हैं व्यापारियों को, क्या पूरा मामला है? हम पूरा वीर सावरकर मार्केट हम सब लीजिट कराने के लिए, जो शासन का नियम आया है कि आप लीजिट कराइए, हम सब कराने के लिए एग्री है। पर यहाँ पर हमारे जो लीजिट का जो शुल्क है वो शुल्क से अतिरिक्त 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है कि हमें 10,000 रुपये प्रति दुकानदार के अलग दिए जाएँ और उसकी हमें कोई रसीद नहीं दी जाएगी। जो शुल्क है हम देने के लिए राजी है, पर अतिरिक्त 10,000 रुपये प्रति दुकानदार का शुल्क क्यों दिया जाए, ये क्या कारण है? और यहाँ पर कहते हैं कि जो अधिकृत हमारा जो वकील है नगर पालिका का, उससे ही रजिस्टर्ड पंजीयन कराया जाए और किसी और वकील से नहीं करा जाए, ये कहाँ का नियम है? करीब कितने व्यापारी हैं और अब किस प्रकार से इन व्यापारियों को दिक्कत आ रही है? कम से कम वीर सावरकर मार्केट में 80 दुकानदार 80 व्यापारी है। उसी प्रकार पूरे नगर के जितनी भी दुकानें हैं जो नगर पालिका के अंतर्गत है वो सभी इसी के अंतर्गत आती है। बताइए किस प्रकार से व्यापारी परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है व्यापारियों के समक्ष और क्या समस्या है बताइए? सरकार के हिसाब से जो लीड बनने की है, इस साल की लीड बनने के लिए जो हमको आवेदन दिया था करीब एक महीने पहले, उसके लिए हमने आवेदन दिया और कई बार अधिकारियों से मिले भी सही हम, ताकि उन्होंने सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से अतिरिक्त जो खर्चे उसके अलावा 30-10 हज़ार रुपये अतिरिक्त मांगे गए और बोले हमारे वकील साहब से मिल लीजिए। करीब कितने व्यापारी हैं और कहाँ का यह मामला है? ये नावरी चौक वीर सावरकर मार्केट का मामला है और करीब 80 दुकानें हैं हमारे मार्केट में। सारे व्यापारी परेशान हो रहे हैं? सारे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। आपने पूछा नहीं किस बात के पैसे मांगे जा रहे हैं और किस बात का क्या है? कोई वो तो खर्च लगेगा आपको, इतना हमारे वकील जो फिक्स है नगर पालिका के वही इसका कर सकते, वही इसका निराकरण करेंगे और वही इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। 10,000 की दुकान हो जाए तो 2,000 अगर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।